यामिनी का एक हाथ युग ने थामा हुआ था। यामिनी दूसरे हाथ से तारा का हाथ थाम लेती है और वो तीनों एक साथ आगे कदम बढ़ाने लग जाते हैं। उन्हीं के पीछे पीछे कछुआ और अभिमन्यु भी जाने लग जाते हैं। सुबह हो गई थी और इस तरफ मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में वर्चस्विनी बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई थी। पिछले 3-4 दिनों से वो बेहोश ही थी। उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसी के सामने कुर्सी पर चटर्जी बैठा हुआ था, जो पिछले 3-4 दिनों से रोज सुबह ड्यूटी जाने से पहले उससे मिलने आया करता था, ये देखने कि वर्चस्विनी को होश आया या नहीं आया। चटर्जी के मन में वर्चस्विनी के लिए बड़ी रिस्पेक्ट थी, जो गुजरते वक्त के साथ और बढ़ गई थी। चटर्जी ने अपने हाथों में फूलों का बुके पकड़कर रखा हुआ था। चटर्जी कुर्सी पर से उठता है और वही बुके वर्चस्विनी के सिरहाने के बगल में जो टेबल था उस पर रखते हुए कहता है, आप जल्दी ठीक हो जाइए मैम, पुलिस स्टेशन में सब आपके आने की राह देख रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाइए। इतना कहकर चटर्जी मायूसी के साथ वर्चस्विनी की तरफ देखता है, इस उम्मीद से कि वो ठीक हो जाए, जरा सा तो उसके शरीर में मूवमेंट हो। पर जब कुछ नहीं होता तो वो अपना मायूसी भरा चेहरा लेकर ही वहां से जाने लग जाता है। चटर्जी अभी कमरे के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसे कुछ चीज नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि फर्श पर वही बुके पड़ा हुआ था जो कुछ देर पहले उसने टेबल के ऊपर रखा था। जब चटर्जी अपनी नजरें फर्श से ऊपर करता है तो देखता है कि वर्चस्विनी के हाथों की उंगली में मूवमेंट होने लग गया था। वो समझ जाता है कि वो बुके वर्चस्विनी ने ही अपने हाथ से गिराया होगा। चटर्जी भागते हुए हड़बड़ाहट के साथ वर्चस्विनी के पास जाता है और बौखलाहट के साथ कहता है, वर्चस्विनी मैम, वर्चस्विनी मैम, होश में आइए, आंखें खोलिए मैम, आंखें खोलिए। वर्चस्विनी की आंखें अभी भी बंद थी, उसके बस हाथ पैरों में मूवमेंट हो रही थी। वो अपने हाथ पैर यहां से वहां हिलाए जा रही थी। चटर्जी जो बुके लेकर आया था उसमें गलती से कुछ फूल सफेद गुंजा के भी आ गए थे, जिसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भूतनाशक, पिशाचनाशक, नजर दोष, वशीकरण नाशक, सम्मोहन तोड़ने के लिए किया जाता है। जब सफेद गुंजा के फूलों की महक वर्चस्विनी तक पहुंचने लगी थी तो वो सम्मोहन जो यामिनी ने उस दिन वर्चस्विनी पर किया था वो टूटने लग गया था। वर्चस्विनी अभी भी अपने हाथ पैर की उंगलियां हिलाए जा रही थी और चटर्जी घबराहट के साथ वर्चस्विनी को देखे जा रहा था। चटर्जी डॉक्टर को बुलाने के लिए वहां से जा ही रहा था कि तभी वर्चस्विनी तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। एक पल के लिए चटर्जी वर्चस्विनी की बड़ी बड़ी आंखें देखकर घबरा सा जाता है। वर्चस्विनी चटर्जी को ही देखकर चीखते हुए कहती है, तारा, तारा, तारा। वर्चस्विनी ने तारा का नाम इतनी कसकर लिया था कि तारा 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 कमरे के अंदर गूंजने लग गया था। चटर्जी वर्चस्विनी को देखकर खुश होते हुए कहता है, आप होश में आ गई मैम, आपको होश आ गया। वर्चस्विनी लेटे हुए ही कहती है, मेरी बच्ची, मेरी बेटी तारा कहाँ है, कहाँ पर है तारा। चटर्जी वर्चस्विनी की बातों को गौर से सुनते हुए जवाब देता है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ मैम कि तारा कहाँ पर है। वर्चस्विनी कुछ कहते उससे पहले ही चटर्जी वर्चस्विनी को अतीत की बातें बताते हुए कहता है, मुझे आपसे काम था और मैं बार बार आपको कॉल कर रहा था, रिंग तो जा रही थी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। मैंने आपके लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल किया था पर वो भी कोई नहीं उठा रहा था। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए दौड़ा भागा आपके घर की तरफ निकल गया। जब आपके घर पहुंचा तो देखा दरवाजा पहले से खुला हुआ था, जब अंदर घुसा तो फर्श पर आप बेहोश पड़ी हुई थी। पहले मुझे लगा घर में चोर घुसाए हैं, पर घर के सामान को अपनी जगह पर सुरक्षित देखकर मेरा ये भ्रम पूरी तरह टूट गया। मैंने पूरे घर में तलाशा पर कोई नहीं मिला, तारा भी नहीं। फिर मैंने जितनी जल्दी हो सके आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया। उस दिन से आज आपको होश आया है। वर्चस्विनी मैम, तब से लेकर आज तक आप बेहोश ही थी, पता नहीं आपको क्या हो गया था। ईश्वर का शुक्र है कि उन्होंने आपको ठीक कर दिया। चटर्जी वर्चस्विनी पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहता है, उस रात क्या हुआ था वर्चस्विनी मैम, आप बेहोश कैसे हो गई थी और तारा कहाँ पर है? मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ है वो, किस हालत में है। चटर्जी की ये बात बोलते ही वर्चस्विनी अपने दिमाग पर जोर देने लग जाती है और उसे उस रात की सारी बात याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि उसने दरवाजा खोला था और यामिनी की आंखों में देखते ही वो बेहोश हो गई थी, यामिनी ने उसे सम्मोहित कर दिया था। वर्चस्विनी डरते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, वो ले गई, वो मेरी तारा को ले गई,
वो ले गई मेरी बेटी को। चटर्जी तुरंत पूछता है, कौन वर्चस्विनी मैम, कौन ले गई तारा को? वर्चस्विनी हिचकिचाते हुए जवाब देती है, वो लड़की। चटर्जी बौखलाहट के साथ पूछता है, कौन लड़की वर्चस्विनी मैम, कैसी दिखती थी वो? वर्चस्विनी यामिनी का चेहरा याद करने लग जाती है और उसके दिमाग में जो पहला शब्द आता है, यामिनी का चेहरा याद करके वो बोल पड़ती है, देवी की तरह। जैसे चटर्जी वर्चस्विनी के मुंह से ये बात सुनता है, वो भी एकदम चुप हो जाता है। वर्चस्विनी बड़बड़ाते हुए चटर्जी से कहती है, मेरी बेटी को ढूंढो चटर्जी, मुझे मेरी तारा चाहिए। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है, किस हालत में होगी, ठीक भी होगी या नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है चटर्जी। चटर्जी वर्चस्विनी को सहानुभूति देते हुए कहता है, आप घबराइए मत मैम, हम तारा को ढूंढ लेंगे, आप डरिए मत। चटर्जी ने इतना कहा ही था कि तभी चटर्जी का फोन बजने लग जाता है। चटर्जी अपना फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। फोन की दूसरी साइड से कोई चटर्जी से बात करने लग जाता है। जैसे जैसे चटर्जी बात करते जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, वो हैरान होते जा रहा था। चटर्जी फोन पर बात करते हुए कहता है, पर वो। चटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दूसरे साइड से कोई उसकी बात को काट देता है और चटर्जी चुप हो जाता है। चटर्जी बात खत्म करते हुए कहता है, ठीक है हम आते हैं। इतना कहकर चटर्जी फोन रख देता है। जैसे ही चटर्जी फोन रखता है, उसके माथे पर परेशानी की लकीरें और बढ़ जाती हैं। वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तारा के लापता होने की बात जानकर वो इतना परेशान नहीं हुआ था जितना फोन पर बात करने के बाद हो गया था, और चटर्जी की ये परेशानी कहीं ना कहीं वर्चस्विनी ने भी महसूस कर ली थी। वर्चस्विनी तुरंत चटर्जी से पूछती है, क्या हुआ चटर्जी, तुम अचानक से इतने परेशान क्यों हो गए? चटर्जी खोए हुए अंदाज में कहता है, तारा मिल गई मैम। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, मेरी तारा मिल गई, कहां पर है वो? चटर्जी जवाब देता है, वो युग और उसके दोस्तों के साथ है हवेली में। जब वर्चस्विनी चटर्जी के मुंह से ये बात सुनती है तो वो भी सोच में डूब जाती है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, पर तारा वहां पर क्या कर रही है और वो वहां पर कैसे पहुंची? चटर्जी परेशानी के साथ जवाब देता है, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है मैम कि तारा वहां पर क्या कर रही है। मैंने युग से पूछा था पर उसने कहा वो अभी कुछ नहीं बता सकता, उसने कहा जब हम हवेली पहुंचेंगे तो वहीं पर वो सब कुछ बता देगा। वर्चस्विनी अपने बेड पर से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं चटर्जी, हमें अभी निकलना चाहिए, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। चटर्जी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अभी नहीं वर्चस्विनी मैम, शाम को, हम शाम को निकलते हैं। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, शाम को, पर शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? चटर्जी जवाब देता है, अपनी हालत देखिए मैम, आप अभी अभी होश में आई हैं, पिछले 3-4 दिन से बेहोश थी, ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, ग्लूकोज और दवाइयों पर जिंदा हैं आप, अब ऐसी हालत में एकदम से आप कैसे बाहर जा सकती हैं, पहले हमें डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, पर चटर्जी मेरी बेटी तारा, मुझे उससे मिलना है, मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ सकती हूँ? चटर्जी कहता है, तारा की फिक्र मत कीजिए वर्चस्विनी मैम, मेरी युग से बात हो गई है, उसने कहा है कि तारा बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मैम डॉक्टर को आने दीजिए, एक बार उन्हें अपनी जांच करने दीजिए, फिर हम शाम तक कैसे भी यहां से निकल जाएंगे। वर्चस्विनी नहीं मानती है, चटर्जी से बार बार आर्ग्यूमेंट करती रहती है, पर कई कोशिश करने के बाद वर्चस्विनी आखिरकार चटर्जी की बात मान जाती है और शाम तक हॉस्पिटल में रुकने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरफ हवेली के अंदर युग और उसके दोस्त एक कमरे के अंदर थे, उसी कमरे के अंदर यामिनी और तारा भी थी। यामिनी और तारा के बारे में कछुए और अभिमन्यु ने कायर और डायना को भी बता दिया था कि वो उन्हें कैसे मिली और उनके साथ क्या क्या हुआ था। कैसे ना बताते, आखिर कायर और डायना भी तो उन लोगों के दोस्त थे और दोस्तों से तो कुछ नहीं छुपाया जाता। यामिनी के बारे में बस युग के दोस्तों को पता था, उनके अलावा हवेली में किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यामिनी यानी यक्षिणी हवेली के अंदर थी। वो लोग यामिनी को चुपके से हवेली के अंदर लेकर आए थे जब हवेली में सब लोग सो रहे थे। इस वक्त यामिनी तारा के पास बैठी हुई थी। तारा मासूमियत के साथ यामिनी से कहती है, यामिनी दीदी, मम्मा की याद आ रही है, मम्मा कहाँ है? यामिनी तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मम्मा आ रही है तारा बेटा, बस कुछ देर और।
सुबह आपके युग भैया ने बात करी थी ना चटर्जी अंकल से, आपकी मम्मा शाम तक आ जाएंगी, और देखो शाम हो गई है, वो आ ही रही होंगी। तारा चुप रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। उसका पूरा चेहरा उतर गया था। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे वर्चस्विनी की बहुत याद आ रही थी। यामिनी और तारा के सामने ही कुछ दूरी पर कछुआ और कायर फर्श पर बैठे हुए थे। कायर एकटक नजर से डरते हुए यामिनी को ही देखे जा रहा था। कायर एकदम धीरे से कछुए से कहता है, कछुए सच में यही यक्षिणी है? कछुआ कुछ चिढ़ते हुए धीरे से जवाब देता है, हाँ यही यक्षिणी है, कितनी बार बोलूं, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? और ये यक्षिणी नहीं, उसकी बेटी है यामिनी, असली यक्षिणी तो ग्रेवयार्ड कोठी में है, अभी तो तुझे सब कुछ बताया था, फिर से भूल गया क्या? कछुआ यामिनी को ही देखते हुए जवाब देता है, हाँ यार भूल गया, ये यामिनी है ही इतनी सुंदर कि जब जब इसकी तरफ देखता हूँ सब भूल जाता हूँ, अब पता चला कि लोग यक्षिणी के इतने दीवाने क्यों हैं। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, अबे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, जरा सोच समझ कर तो बोल, भूल मत वो युग से प्यार करती है और युग उससे, वो तेरी भाभी लगती है, अगर उसने तेरी बात सुन ली ना तो तेरी यही भाभी है, तेरा भी दिल निकाल कर उसका खून पीने लग जाएगी जैसे वो बाकी मर्दों का पीती है। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, कायर तुरंत यामिनी से अपनी नजरें हटाते हुए धीरे से भड़बड़ाता है, भाभी तो मां समान होती है, मैं तो यामिनी भाभी को मां की नजरों से देख रहा था, भाभी मां समान होती है। अभिमन्यु काफी देर से खिड़की के पास खड़ा हुआ था और बाहर आसमान की तरफ देख रहा था। अभिमन्यु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पर होकर भी वहां पर ना हो, वो कुछ खोया परेशान लग रहा था, और ये बात उसके पीछे युग और डायना दोनों काफी देर से नोटिस कर रहे थे। डायना ने अपने बालों को दुपट्टे से कवर करके रखा हुआ था क्योंकि उसके बाल पहले से और ज्यादा सफेद हो गए थे और वो नहीं चाहती थी कि किसी की उस पर नजर पड़े। युग अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अभिमन्यु यूं आसमान की तरफ क्या देख रहा है तू, कुछ बात है क्या? डायना भी बोल पड़ती है, हाँ अभी जब से आयो तब से बहुत परेशान लग रहे हो तुम, आखिर बात क्या है? अभिमन्यु आसमान की तरफ ही देखते हुए जवाब देता है, मुझे उस काले साई की बातें बहुत परेशान कर रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों बोल रहा था। युग तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कैसी बात है अभिमन्यु, क्या बोल रहा था वो? अभिमन्यु जवाब देता है, तूने सुना था ना, वो बार बार कह रहा था ब्लड मून की रात होगी, खून की रात, आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा था? कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ तुरंत कायर के पास से उठते हुए अभिमन्यु के पास जाते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु तूने सही कहा, वो बार बार यही बात दोहराया जा रहा था कि ब्लड मून की रात होगी, खून की रात, ब्लड मून की रात होगी, खून की रात। कछुए के साथ ही कायर भी अपनी जगह पर खड़े हो जाता है और अभिमन्यु की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर से हमें कोई पहेली दे रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, पहेली, कैसी पहेली? कायर जवाब देता है, युग तू भूल गया, उस बार भी उस काले साए ने तुझे पहेली दी थी, वो जीवन मरण वाली, और उससे ही तो हमें पता चला था कि तेरे पापा के शरीर खोजने की शुरुआत कहां से करनी है। युग हामी भरने लग जाता है। कायर अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, वो काला साया जब भी कोई बात बार बार बड़बड़ाता है उसका कोई ना कोई बड़ा मतलब जरूर निकलता है। कछुआ परेशान होते हुए कहता है, पर इस बात का क्या मतलब होगा भला, ब्लड मून की रात होगी, खून की रात। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। हाय गाइज, मेरा नाम है पवन और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो गाइज कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज हम खेलेंगे ट्रैफिक राइड, गेम को कर लिया मैंने बेसिकली स्टार्ट, चलिए खेलते हैं अपने गेम को, लेट्स स्टार्ट द गेम। और चलिए खेलेंगे और स्पीड से गाइज, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी और सेलेक्ट कर लें, और स्पीड से स्पीड स्पीड। अब हमारी बाइक फुल स्पीड टॉप स्पीड पर आने वाली है, अब टॉप स्पीड दौड़ाएंगे अपनी बाइक को। इसमें डेजर्ट मोड बहुत ही सूटेबल लगता है, बढ़िया। हमारा स्नोफॉल वाला तो खुला नहीं है यार,
और स्पीड से चलेंगे तेजी से। भाई जो भी चैनल पर नया हो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें और स्पीड से चलेंगे बढ़िया से। अब विली करेंगे, विली विली, अब हमारी विली पावर को कुछ भी ख़त्म, अब बढ़ते रहेंगे। चलिए और स्पीड, और स्पीड, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। गाइस जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट करें। चलिए गाइस, अब मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, अब गेम भी हमारा ख़त्म होने वाला है, लास्ट के कुछ सेकंड बच रहे हैं। जो भी चैनल को पर नया है चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो, बाय गाइज।